नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द गैजेट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को आसान बनाने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी बना देंगे। आज के इस आधुनिक युग में इन चीज़ों के बिना शायद ही रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना की जा सकती है। तो क्या है आज के गैजेट्स के पिटारे में, जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं द गैजेट शो, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं वीवो के स्मार्टफोन वीवो X60 के बारे में, जो भारतीय बाजार में सस्ता हो गया है। इसकी कीमत में 2000 रुपए की कटौती की गई है। वीवो का शानदार स्मार्टफोन वीवो X60 भारतीय बाजार में सस्ता हो गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत में 2000 रुपए से ज्यादा की कटौती की गई है। आपको बता दें कि वीवो X60 फ्लैगशिप सीरीज के तहत वीवो X60, X60 Pro और X60 Pro Plus को इस साल की शुरुआत में पेश किया गया था। वीवो X60 स्मार्टफोन की कीमत में 3000 रुपए की कटौती की गई है। अब यह स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए 37,990 रुपए के बजाय 34,990 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। वहीं इसके टॉप मॉडल 12GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत में भी 2000 रुपए की गिरावट आई है। इस वेरिएंट को अब 41,990 रुपए के बजाय 39,990 रुपए की कीमत पर खरीदा जा सकेगा। ऑफर की अगर बात करें तो ग्राहकों को वीवो X60 स्मार्टफोन की खरीदारी करने पर HDFC और ICICI बैंक की ओर से 10% का कैशबैक मिलेगा। इतना ही नहीं, ग्राहकों को वन टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट ऑफर भी दिया जाएगा। वीवो X60 स्मार्टफोन Android 11 बेस्ड फ्रंट टच 11 आउट ऑफ द बॉक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन का वजन 176 ग्राम है। इस डिवाइस में 6.56 इंच का फुल HD प्लस E3 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 2376x1080 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसका डिस्प्ले HDR10 प्लस सपोर्ट करता है। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है। कंपनी ने वीवो X60 स्मार्टफोन में शानदार फोटो क्लिक करने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसका प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल है, जबकि इसमें 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट पंच होल कैमरा मिलेगा। वीवो X60 स्मार्टफोन में पावर बैकअप के लिए 4300 mAh की बैटरी दी गई है, जो 33 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसके अलावा स्मार्टफोन में वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, हेडफोन जैक और USB टाइप सी पोर्ट जैसे फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। वीवो के बाद अब बात करते हैं गूगल की। गूगल का नया 5G फोन जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, जो कि एक बजट स्मार्टफोन है। तो जानते हैं क्या है खास इस नए स्मार्टफोन में। गूगल का नया 5G स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 5A 5G स्मार्टफोन 17 अगस्त को भारत में दस्तक दे चुका है। ये एक बजट स्मार्टफोन है। गूगल की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि गूगल पिक्सल 5A 5G को इसी साल भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट से इतर भारत में पिक्सल 5A को लॉन्च नहीं किया गया था, लेकिन अब कंपनी पिक्सल 5A को भारत में लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें कि गूगल की तरफ से ग्लोबल मार्केट में गूगल पिक्सल 6 स्मार्टफोन पेश करने की तैयारी हो रही है। कंपनी ने बताया कि गूगल पिक्सल 6 को फिलहाल भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनी गूगल पिक्सल 5A 5G स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर सकती है। लॉन्चिंग से पहले गूगल पिक्सल 5A 5G की कुछ तस्वीरें लीक हो गई हैं। एंड्रॉइड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पिक्सल 5G के डिजाइन में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। फोन का रियर कैमरा स्क्वायर मॉड्यूल में होगा। फोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसके साथ ही बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया जा सकता है। फोन की ग्लोबल लॉन्चिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक गूगल पिक्सल 5A स्मार्टफोन में 90 हर्ट्ज की स्क्रीन रिफ्रेश रेट को सपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही प्रोसेसर सपोर्ट के तौर पर फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G SoC दिया जा सकता है। फोन में 6.4 इंच की डिस्प्ले दी गई है। फोन को 6GB रैम सपोर्ट के साथ पेश किया जा सकता है। पावर बैकअप के लिए फोन में 4650 mAh की बैटरी दी जा सकती है। गूगल पिक्सल 5A स्मार्टफोन को $450 यानी करीब 33,400 रुपए में बिक्री के लिए लिस्ट किया जा सकता है।
गूगल के स्मार्टफोन की बात अब बात करते हैं ZTE के नए स्मार्टफोन के बारे में। चीन में धूम मचाने के बाद अब ग्लोबल मार्केट में ZTE का Xon 30 5G फोन लॉन्च होने जा रहा है। 9 सितंबर को यह फोन लॉन्च होगा। आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और फीचर्स। पिछले महीने के अंत में चीन में लॉन्च होने के बाद ZTE का Xon 30 5G ग्लोबल मार्केट में आने को तैयार है। निर्माता ने लॉन्च की तारीख 9 सितंबर निर्धारित की है और अगर आप शुरुआती खरीदारों में से हैं तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। Xon 30 5G दो कॉन्फ़िगरेशन 8+128GB और 12+256GB में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत अमेरिका में $499, यूरोप में €499 और यूके में £439 होगी। ZTE उन लोगों के लिए छूट और मुफ्त उपहार की पेशकश कर रहा है जो आज और 8 सितंबर के बीच प्री ऑर्डर करते हैं। उन्हें $10 जमा शुल्क का भुगतान करना होगा, लेकिन फोन की खरीद के लिए $30 कूपन और बदले में $39 के ZTE लवबर्ड्स की एक मुफ्त पेयर प्राप्त करेंगे। Xon 30 में 6.92 इंच FHD प्लस 120 HD OLED स्क्रीन है, जिसमें 16 मेगापिक्सल का अंडर डिस्प्ले कैमरा है। स्क्रीन के जिस हिस्से में कैमरा होता है उसमें एक विशेष OLED होता है जो तस्वीरें लेते समय बेहतर संचारण की अनुमति देता है। फोन स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और इसे LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन के पिछले हिस्से पर चार कैमरे हैं, 64 मेगापिक्सल सोनी IMX682 प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा। ZTE ने Xon 30 5G को 4200 mAh की बैटरी के साथ 65W फास्ट चार्जिंग और क्विक चार्ज 4+ और पावर डिलीवरी के लिए सपोर्ट किया है। Xon 30 5G का वजन 189 ग्राम है और इसकी मोटाई 7.8 mm है। यह आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर आधारित MyOS पर चलता है। स्मार्टफोन के बाद अब बात करते हैं स्मार्ट स्पीकर के बारे में। Amazon ने हाल ही में भारतीय मार्केट में डिस्प्ले वाला नया स्मार्ट स्पीकर इको शो 10 थर्ड जनरेशन लॉन्च किया है। यह स्मार्ट स्पीकर कई मायनों में खास है, लेकिन जाहिर है कि इसकी कुछ कमियां भी हैं। यह स्मार्ट स्पीकर आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। Amazon इको शो 10 थर्ड जनरेशन में मोटे तौर पर दो पार्ट है, ये अलग नहीं है बल्कि जुड़े हुए हैं। एक डिस्प्ले है और एक स्पीकर है। डिस्प्ले 10.1 इंच की है जिसका रेजोल्यूशन 1280x800 पिक्सल है। इस स्पीकर में दी गई डिस्प्ले रोटेट करती है, इसे आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं या फिर ऑटो रोटेट भी होती है। फ्रंट में कैमरा दिया गया है, फिजिकल कवर भी है जिसे आप हटाते हैं तो ही स्क्रीन ऑटो रोटेट करती है। उदाहरण के तौर पर आप स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ऐसे में आप जिधर भी अपना चेहरा ले जाएंगे उधर ही रोटेट होगा। स्मार्ट स्पीकर के बॉटम में मोटर लगा है जो इसे चारों तरफ घुमाता है। जाहिर है इसमें आपको बैटरी नहीं मिलती है क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। स्क्रीन चूंकि 360 डिग्री रोटेट करती है इसलिए अगर इसके बीच में कुछ रखा है तो उसे डिटेक्ट करके डिस्प्ले घूमना बंद कर देगी। इसे अपने हिसाब से ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, हालांकि डिस्प्ले को ऊपर नीचे एडजस्ट खुद से करना होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। इस स्मार्ट स्पीकर में मोशन सेटिंग्स है जहां से आप ये तय कर सकते हैं कि डिस्प्ले को कैसे रोटेट करना है। डिस्प्ले शानदार है और बड़ा है, बेजल लेस होता है तो और भी बेहतर होता, लेकिन यहां बेजल्स मिलेंगे। डिस्प्ले के ऊपर कंट्रोल बटन दिए गए हैं, यहां से ही आप कैमरे का कवर लगा और हटा सकते हैं। अगर बात करें स्पीकर की तो इसमें 1 इंच के 2 ट्विटर्स दिए गए हैं। इसके अलावा 3 इंच का एक वूफर है। कंपनी ने इसे फैब्रिक फिनिश किया है और ये देखने में काफी प्रीमियम लगता है। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है लेकिन ज्यादा बड़े कमरे या हॉल के लिहाज से नहीं, छोटे या मिड साइज कमरे के लिए ठीक है। स्पीकर में और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। अगर बात करें कैमरे की तो इस डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसे आप घर की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इको डिवाइस से या एलेक्सा ऐप के जरिए आप डायरेक्ट इस पर वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसमें एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है जो अपना काम बखूबी करता है। दूसरे स्मार्ट स्पीकर की तरह ही आप यहां भी कमांड्स देकर टास्क परफॉर्म करा सकते हैं।
चूंकि इस डिवाइस की खासियत इसमें दी गई स्क्रीन है, इसलिए हम इस रिव्यू में स्क्रीन के जरिए दिए जाने वाले टास्क पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। डिस्प्ले के सेंसर्स अच्छे से काम करते हैं, डार्क होने पर खुद से एडजस्ट करके डिस्प्ले डिम हो जाती है, कमरे की लाइट ऑन होने पर यह एडजस्ट होकर ब्राइट हो जाता है, यानी आप लाइट ऑफ करके सो रहे हैं तो डिस्प्ले की लाइट आपको परेशान नहीं करेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तर्ज पर आपको क्लॉक दिखाई देगी। स्क्रीन का दूसरा काम यह है कि आप इस पर वीडियो, सीरीज या फिल्में बड़े आराम से देख सकते हैं। यूट्यूब भी काम करता है, इसके लिए ऐप नहीं है बल्कि ब्राउजर के जरिए चलता है। ऐप वैसे दिया जाना चाहिए था। Amazon Prime और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म से कंटेंट देख सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमेशा डेट, टाइम, वॉलपेपर्स, न्यूज और वेदर की जानकारी मिलती रहेगी। आप इसे अपने पसंद के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको गाइडेंस भी मिलती है कि आप इस डिवाइस को और बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। विजुअल के जरिए आपको दिखाया जाता है कि इससे और क्या संभव है। स्पीकर में दिए गए माइक्रोफोन्स दमदार हैं, क्योंकि कमरे के किसी कोने से कमांड देने पर ये सुन लेता है। इसके जरिए आप स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स भी कनेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। स्क्रीन की तो बात हो गई, लेकिन ऑडियो कैसा है? जैसा कि पहले भी कहा गया है, ऑडियो क्वालिटी को और बेहतर किया जा सकता था। कीमत के हिसाब से अगर देखें तो अगर आपको सिर्फ बेहतर ऑडियो क्वालिटी ही चाहिए तो शायद आपको दूसरे स्पीकर की तरफ जाना पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑडियो क्वालिटी खराब है, इसे डिसेंट कहा जा सकता है, बट सेगमेंट का बेस्ट नहीं। Amazon Echo Show 10 थर्ड जनरेशन एक शानदार पैकेज है। स्मार्ट डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके लिए दोनों काम करता है। रोटेट होने वाली डिस्प्ले काफी प्रैक्टिकल है और सटीक मूव करती है, आप जैसे मूव करना चाहेंगे। इसके अलावा रोटेटिंग डिस्प्ले से और भी फायदे हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग हो गया, या फिर आप इसे टेबल पर रखकर कुछ पढ़ रहे हैं और अपनी चेयर दूसरी तरफ कर दी, या फिर किसी और को कंटेंट दिखाना, ऐसे में ये डिस्प्ले काफी काम की है। मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको एक स्मार्ट डिस्प्ले चाहिए जो स्पीकर का भी काम करे तो आप इसे खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ स्मार्ट स्पीकर चाहिए तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ ज्यादा फोकस डिस्प्ले और इसके फंक्शंस पर किया गया है, इसलिए इसका यूज केस भी अलग है। फिर भी इस कीमत पर अगर कंपनी और भी पावरफुल स्पीकर देती तो इसे सिर्फ स्मार्ट स्पीकर खरीदने वाली जनता भी खरीद सकती थी। Amazon के स्पीकर के बाद अब बात करते हैं Samsung के मिड रेंज स्मार्टफोन Samsung Galaxy M32 के बारे में। Samsung का ये मिड रेंज स्मार्टफोन कैसा है, आइए जानते हैं। भारत में Samsung का M सीरीज पिछले कुछ समय से काफी पॉपुलर हुआ है। यही वजह है कि कंपनी लगातार इस सीरीज के नए स्मार्टफोन्स लेकर आ रही है। हाल ही में भारत में कंपनी ने गैलेक्सी M32 लॉन्च किया है। आइए जानते हैं स्मार्टफोन का रिव्यू। ये फोन मिड रेंज सेगमेंट का है, यानी 15,000 रुपए तक मिल जाएगा। ऐसे में इसी हिसाब से इसका डिजाइन भी है। फोन का फ्रेम और बैक पैनल प्लास्टिक का है। डिस्प्ले 6.4 इंच की है और ये एमोलेड है। यहाँ आपको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच भी देखने को मिल जाएगा। इसका डिजाइन आपके ऊपर है कि पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि बैक पैनल पर जो लाइनिंग देख रहे हैं इसे कुछ लोग नापसंद भी कर सकते हैं। ये फोन एक हाथ से यूज किया जा सकता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन के साइड में दिया गया है। फोन में हेडफोन जैक है, USB टाइप सी पोर्ट है और बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं। बैक पैनल फिंगरप्रिंट अट्रैक्ट करता है। डिस्प्ले ब्राइट और कलरफुल है। Samsung इस सेगमेंट में पहले से बेटर डिस्प्ले दे रहा है और इसके डिस्प्ले से हमें भी रिव्यू में कोई शिकायत नहीं मिली है। Samsung के दूसरे फीचर जैसे ऑल वेल ऑन डिस्प्ले भी इसमें दिया गया है। रिफ्रेश रेट 90 Hz तक सेट कर सकते हैं। फोन की डिस्प्ले को बेजल लेस नहीं कहा जा सकता है, तो चारों तरफ पतले बेजल्स हैं और चिन भी अच्छा खासा है, इसे आप नोटिस कर सकते हैं। फोन के बैक पैनल पर 4 रियर कैमरों का सेटअप है जो चौकोर है। इसके नीचे LED फ्लैश दी गई है। बात की जाए अगर परफॉर्मेंस की तो गैलेक्सी M32 में मीडिया टेक हेलियो G80 प्रोसेसर लगा है। इसे आप 4GB और 6GB रैम वेरियंट के साथ खरीद सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज 64GB और 128GB के ऑप्शन में मिल जाते हैं। फोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। फोन यूज करने में स्मूथ लगता है, लेकिन 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले होने के बावजूद उतना फास्ट नहीं लगता। हालांकि डेली टास्क काफी अच्छे से हैंडल करता है और लैग फील नहीं होता। गेमिंग के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें आप हैवी गेम्स खेल सकते हैं। सेटिंग्स को मीडियम करके खेलेंगे तो ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आधे घंटे तक गेमिंग के दौरान फोन गर्म नहीं होता और बैटरी भी ज्यादा तेजी से ड्रेन नहीं होती है, जो कि एक अच्छी बात है।
इस स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 11 बेस सैमसंग का अपना कस्टम स्किन दिया गया है। कुछ ऐप्स पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग करने में भी कोई समस्या नहीं है। एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करना हो या फिर पुराना ऐप फिर से ओपन करना हो, लोडिंग टाइम कम है, लेकिन इसे और भी फास्ट होना चाहिए था। वीडियो कंटेंट देखने का अनुभव अच्छा रहा क्योंकि इसकी डिस्प्ले फुल HD प्लस है और साथ में ये एमोलेड पैनल भी है, इसी वजह से एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। ओवरऑल फोन परफॉर्मेंस के लिहाज से निराश नहीं करेगा। बात अगर की जाए कैमरे की तो गैलेक्सी M32 में 4 रियर कैमरे दिए गए। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, जबकि चौथा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। गैलेक्सी M32 का कैमरा ऐप दूसरे सैमसंग स्मार्टफोन्स की तरह ही है, हालांकि सैमसंग के दूसरे प्रीमियम फोन्स जैसे कुछ फीचर्स कैमरा ऐप में नहीं है। उदाहरण के तौर पर सिंगल टेक फीचर्स में नहीं दिया गया है। आउटडोर डेलाइट फोटोग्राफी इस फोन से अच्छी होती है, फोटोज और वीडियोस अच्छे रिकॉर्ड होते हैं, फोटोज थोड़ा सैचुरेटेड से जरूर दिखते हैं, हो सकता है कि आपको एकदम सटीक कलर चाहिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि आप सीन डिटेक्शन के फीचर को ऑफ करके सटीक कलर पा सकते हैं क्योंकि सीन डिटेक्शन में ये खुद से कुछ एनहेंस कर देता है। अल्ट्रा वाइड एंगरा कैमरा काफी वाइड है और वाइड एरिया कवर करता है। सेगमेंट के दूसरे वाइड एंगल लेंस की जैसे कि इसमें भी आप फोटोज में उतने डिटेल्स की उम्मीद ना करें क्योंकि यहाँ डिटेल्स की भारी कमी होती है, खासकर जूम करने पर फोटोज बेकार लगने लगते हैं। क्लोजअप की अगर बात करें तो यहाँ से अच्छा परफॉर्म करता है। बैकग्राउंड ब्लर करके तस्वीरें क्लिक करना है तो यहाँ भी ये ठीक काम करता है। पोर्ट्रेट मोड में ये फोरग्राउंड बैकग्राउंड और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से डिटेक्ट करता है, ऐसे में बैकग्राउंड के साथ मर्ज होने की समस्या नहीं मिलेगी। कम रोशनी में थोड़ा खेल बदलता है और इसका कैमरा फीका पड़ने लगता है, हालांकि नाइट मोड पर क्लिक करके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। 5 सेकंड्स कैप्चर होने में लगते हैं और इसके बाद आपको कम नॉइज के साथ तस्वीर मिल जाएगी। अगर आप सेल्फी लवर हैं तो भी ये फोन आपको निराश नहीं करेगा। क्लिक की गई फोटो स्मूथ दिखती है और बैकएंड में सेल्फी को शानदार बनाने के लिए कई चीजें चलती हैं, इसलिए अगर आप खुद को कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं, आप वैसे भी खूबसूरत हैं। ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग में यह फोन अच्छा रहा है, हालांकि वीडियोस ज्यादा स्टेबल नहीं आते, खास तौर पर जब आप ड्राइविंग के दौरान या चलते हुए वीडियो बना रहे हैं। गैलेक्सी M32 की एक खासियत इसमें दी गई 6000 mAh की बैटरी भी है, इसके साथ ही 25W फास्ट चार्ज सपोर्ट भी है, हालांकि ये इतना फास्ट भी नहीं है, घंटे भर में लगभग इसे आधा घंटा चार्ज कर लेंगे। बैकअप का जहां तक सवाल है तो ये शानदार है, फेवरेट से मॉडरेट यूज में आप इसे एक दिन से ज्यादा चला सकते हैं। रिफ्रेश रेट 90Hz ही रखें तो बैकअप ही अच्छा मिलेगा। अगर फोन का यूजेज कम है तो ये 2 दिन भी चल सकता है। हैवी यूज करते हैं तो भी आप फोन को सुबह से लेकर रात तक बिना पावर बैंक की टेंशन के चला सकेंगे। गैलेक्सी M32 इस प्राइस सेगमेंट में एक शानदार डिस्प्ले, बेहतरीन बैकअप और अच्छा ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है। कैमरा और डिजाइन को लेकर कंपनी और बेहतर कर सकती थी। सैमसंग के बाद अब बात करते हैं आसूस की, जिसने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि ये दोनों ही स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं, और क्या कुछ खास है इन स्मार्टफोन्स में, आइए जानते हैं। आसूस ने अपने 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आसूस ROG फोन 5S और आसूस ROG फोन 5S प्रो शामिल है। इन दोनों फोन्स में 5G का सपोर्ट दिया गया है और इन दोनों स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर है। फोन में 6.78 इंच की सैमसंग एमोलेड E4 डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 1200 nits है। इसके अलावा फोन में 18GB LPDDR5 रैम है। ये दोनों गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं, जिन्हें फिलहाल कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। फोन की कीमत और उपलब्धता के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस फोन में आपको क्या क्या मिलेगा, आइए जानते हैं। वनीला रोग फोन 5S और रोग फोन 5S प्रो दोनों गेमिंग फोन्स में स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर, ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 660 GPU है। इसके अलावा रैम के तौर पर 8GB, 12GB, 16GB और 18GB LPDDR5 का विकल्प मिलेगा। वहीं अगर स्टोरेज के लिए बात की जाए तो 128GB, 256GB और 512GB के विकल्प मिलेंगे। दोनों फोन्स में एंड्रॉयड 11 आधारित ROG UI OS दिया गया है।
दोनों फोन्स में 6.78 इंच की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2448 पिक्सल है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास फैक्टर्स का सपोर्ट है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। ROG Phone 5S और ROG Phone 5S Pro दोनों फोन्स में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का और दूसरा लेंस 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और तीसरा लेंस 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंसर है। सेल्फी के लिए दोनों फोन्स में 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। आसूस रूप के इन दोनों फोन्स में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ ही 65 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। फोन में डुअल फ्रंट स्टीरियो स्पीकर है। कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम 5G और 4G LTE का सपोर्ट है। इसके अलावा वाईफाई 802.11 BG/N और AC और AX ब्लूटूथ V5.0 NFC 3.5mm का हेडफोन जैक, GPS, GLONASS और USB Type-C सपोर्ट है। दोनों फोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ROG Phone 5S को फैंटम ब्लैक और स्टॉर्म व्हाइट कलर में, जबकि ROG Phone 5S Pro को फैंटम ब्लैक कलर में खरीदा जा सकेगा। तो ये थे आज के गैजेट्स के पिटारे के कुछ खास प्रोडक्ट्स, जो आपकी लाइफस्टाइल को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही कई और भी गैजेट्स हैं जो इस हफ्ते बाजार में धूम मचा सकते हैं। तो आप भी प्रोडक्ट्स का लुत्फ उठाइए, अगले हफ्ते कुछ नए गैजेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए MKN। नमस्कार।